हमारे साथ बात करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके तीरंदाजी में अपना करियर बनाया। दीपिका जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से जो है तीरंदाजी के लिए प्रेरित हुई। 2007 में मेरी कजिन सिस्टर है, वो करती थी। सो मेरी फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं अपने फैमिली प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए मैं घर से बाहर आई थी और आर्चरी शुरू किया था। अच्छा, आज के समय में देखते हैं कि लड़कियों के लिए बाहर निकलना कितना मुश्किल है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो वो सोच रहे थे कि कैसे बाहर जाके अकेली रहेंगी, इसलिए वो थोड़ा मना कर रहे थे। बट फिर पापा समझ गए थे कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने फिर दे दिया था इजाजत। मैडम, नवंबर में आपकी शादी होने वाली है, तो इसके बाद भी आप तीरंदाजी में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या आप संभावना है? हाँ, बिल्कुल रहूंगी, क्योंकि हम दोनों ही आर्चरी करते हैं, तो अभी हमारा प्लान है मतलब आर्चरी करने का और मेडल देने का। तो आपको अतानु दास ने कई बार प्रपोज किया, आखिरकार आपने उनको कई साल तक ऐसे रखा, तो बाद में आप कैसे मान लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उसने प्रपोज किया बहुत साल तक, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपनी मन से बनाई हुई कहानियां हैं। हमने एक दूसरे को पसंद किया और हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग साथ में पूरी जिंदगी रह सकते हैं, ऐसा किसी ने प्रपोज नहीं किया था एक दूसरे को। अच्छा, तीरंदाजी में आने वाली लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि जितना भी अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने गेम में लगा दे, पढ़ाई भी करे लेकिन साथ साथ गेम में भी फोकस रहे बहुत ज्यादा, और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके अपने गुरु का बात माने और अपने गेम में डेडिकेट रहे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ दीपिका जी, इनका कहना है कि आप जितनी लगन से काम करेंगे, जितनी लगन से सीखेंगे, आप उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। प्रदीप शर्मा, ईटीवी भारत, सोनभद्र।